हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। फिफ्थ सेमेस्टर का एक आपका एजुकेशन का पेपर है। आज मैं आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में से आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम पैटर्न भी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनके पास एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का पेपर है। तो 3 घंटे का टाइम पे 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। 100 नंबर गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या कीजिए, देख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा करें। पैटर्न और क्वेश्चन दोनों साथ में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण कैसे योगदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, भारत में संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए, यानी हिंदी भाषा घरेलू भाषा हमारी। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, बहुभाषावाद द्वारा प्रस्तुत अवसर और चुनौतियाँ क्या है। फिर 6 है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाओं, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, यानी नारीवाद के ऊपर। तो ये एक पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे एजुकेशन में फिफ्थ सेमेस्टर में। तो बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।